हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके चैनल मिस्टर इंसेन इंजीनियर पे। और यार आप लोगों ने जो है ऐसे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, पोटैटो कैनन, कैल्शियम कार्बाइड कैनन, अल्कोहल कैनन। तो यार वो जो कैनन होता है थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है और उसको बनाने का खर्चा भी आप लोगों को जो है ज़्यादा पड़ता है। तो ये इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा कैनन बनाया जाए जो कि बड़े वाले पोटैटो कैनन की तरह ही जो है पावरफुल है और उसके जैसा ही जो है साउंड करता है। तो यार इसके लिए मैंने जो है कुछ इस तरह का एक कैनन बनाया है जो कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल रखा है इसका डिज़ाइन मैंने। और यार आप लोगों को जो इस वीडियो में बनाना भी सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को जो एक बार इसको मतलब टेस्ट करके दिखा दे रहा हूँ। इसके अंदर बेसिकली मैंने जो है अल्कोहल डाला है, रबिंग अल्कोहल, और उसके बाद जो है इसके अंदर थोड़ा सा मैं फूंक मारूंगा ऑक्सीजन के लिए। और अब जो इस स्लाइडर को डाल देते हैं कुछ इस तरह से, अब जो है इसको फायर करते हैं इन 3 2 1। यार आप लोगों ने जो है देखा, मतलब मैंने ये कागज़ का टुकड़ा इसके सामने जो है रखा था, दीवार पे टकरा के वो जो है रिटर्न आ गया कुछ इस तरह से। और ये जो है आप लोगों को साउंड सुन के पता चल गया ये जो है काफ़ी ज़्यादा जो है पावरफुल है। तो यार चलिए 2 मिनट में जो है इसको बना लेते हैं फटाफट से। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को जो एक पीवीसी पाइप चाहिए होगा 3 फीट के, ये इलेक्ट्रिक वायरिंग में काम आता है, ये जो है काफ़ी सस्ता मिलता है प्लम्बिंग की पाइप के मुकाबले में। और ये आप लोगों को जो है इससे बैरल बनाना होगा, बैरल जो है हमारा 2 फीट का होगा। और 1 फीट जो है किस काम में आएगा आप लोगों को जो है वीडियो में आगे बताऊंगा। उसके बाद जो है आप लोगों को एक बॉटल चाहिए होगा कुछ इस तरह का, ये बॉटल है, एक छोटा सा बॉटल आप लोग जो है खरीद सकते हो या फिर मतलब जुगाड़ कर सकते हो कहीं से, मेडिसिन का बॉटल है। और उसके बाद जो है हम लोगों को ये एक लाइटर चाहिए होगा जो कि मैंने मेरे किचन से चुरा है, मेरे नहीं मेरे मम्मी के किचन से चुरा है, किसी को बताना मत। खैर आप जो इसको बना लेते हैं फटाफट से। तो इस कैनन को बनाने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को जो है कुछ इस तरीके का एक बोतल चाहिए होगा जिसके इस साइड पे मैंने जो है कुछ इस तरीके का एक छेद कर दिया। और इसका साइज भी जो है मैं आप लोगों को एक बार दिखा दे रहा हूँ, देखिए ये जो है कितना ज़्यादा जो है छोटा है। इसका साइज़ जो है लगभग 4 इंच के आसपास है इसका साइज़। और यार आप लोग जो है कोई भी मेडिसिन का बोतल जो है इस्तेमाल में ले सकते हो। और इस साइड पे जो है आप लोगों को ड्रिल नहीं करना है, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न भी आप लोगों को जो है मैं बता दे रहा हूँ। ड्रिल करोगे तो यार इस साइड पे आप लोग जो है देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छी तरीके से इसका एजेस जो है कितना ज़्यादा मोटा बन चुका है, ये देखिए। तो इससे जो है क्या होगा कि हम लोग जब इसके अंदर लाइटर डालेंगे अपना, तो हम लोगों को जो लाइटर डालने में जो है आसानी होगा, काफ़ी अच्छी तरीके से जो ये ग्रिप होगा। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा कि आप लोग जो है कोई भी एक नुकीला चीज़ ले सकते हो, कुछ इस तरीके का एक नुकीला चीज़ लो और इससे जो है इस तरीके से एक छेद कर दो। और उसके बाद आप लोगों को जो है कोई छेनी या ये इस तरीके का कुछ चीज़ लेना होगा। उसके बाद जो इसको इसके अंदर डाल के इसको कुछ इस तरीके से घुमाओ। और यार आप लोग जो है इसको घुमाते वक्त जो है थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जो होल है हमारे लाइटर से जो है ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ये जो है अभी ये जो होल है अभी भी जो है थोड़ा सा छोटा है हमारा, ये जो लाइटर है कुछ इस तरीके से इसके अंदर नहीं जाएगा। तो इसको जो है हम लोग थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं। तो यार आप लोग जो है देख पा रहे होंगे हमारा ये जो होल है काफ़ी अच्छी तरीके से बन चुका है इस साइड पे। और हम हमारा ये जो लाइटर है काफ़ी अच्छी तरीके से फिक्स हो चुका है। और अब जो है हम लोगों को इस कैप का ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी जो है हम लोग फेंक देंगे। और उसके बाद जो है हम लोगों को बैरल बनाना होगा। बैरल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करेंगे, ये जो है 2 फीट का पीवीसी पाइप है। तो यार आप लोगों को जो एक चीज़ दिखा दूँ, इस पोर्शन के मुकाबले में ना इस पाइप का इस पोर्शन जो है थोड़ा सा ज़्यादा मोटा है। बेसिकली इलेक्ट्रिक वायरिंग का ये जो पाइप होता है कुछ इस तरह का ही होता है, इसके सामने का ये जो पोर्शन है ये थोड़ा सा मोटा ही होता है, क्योंकि यार हम लोग जो इसको मतलब इसके सामने एक और पाइप डाल के जो है इसका मतलब ये एक्सटेंशन कर सकते हैं। तो इसके जो है हम लोग कुछ इस तरह से इसके अंदर डालेंगे इस साइड से, ये जो है काफ़ी सही तरीके से जो ये बैठ रहा है। फिर हमारे ये जो गन है बन के तैयार हो चुका है। अब जो है हम लोगों को गोली चाहिए होगा, तो इसका गोली भी बना लेते हैं। तो यार वीडियो के शुरू में सबसे पहले ही मैंने जो है आप लोगों को बता दिया था, हम लोगों को जो है 3 फीट का एक पीवीसी पाइप चाहिए होगा, जिसमें से हम लोगों ने जो है 2 फीट का एक बैरल बना लिया। और 1 फीट की एक फीट पाइप की मदद से हम लोगों ने जो है कुछ इस तरीके का बंदूक का गोली बनाया है जैसा कि आप लोग देख रहे हो। और इसका साइज़ भी मैं जो है आप लोगों को बता दे रहा हूँ, इसका साइज़ जो है 1 सेंटीमीटर के आसपास मैंने जो है इसको कट किया है। और इसके अंदर जो है पुट्टी मैंने डाल के इसको जो है फिक्स कर दिया है। और यार आप लोग जो है चाहे तो एमसील भी इस्तेमाल में ले सकते हो, ये इस तरीके का मैंने जो है एमसील का भी एक गोली बनाया। और आप लोग जो है हॉट ग्लू की मदद से भी जो है एक गोली बना सकते हो। और यार लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो है ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। और इसका जो मतलब वेट है वो जो है 5 से 7 ग्राम के आसपास होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि यार आप लोग जो है 9mm के बंदूक पे जो है 50 BMG का गोली इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यार चलिए अब जो है इसको साथ टेस्ट भी कर लेंगे। उससे पहले आप लोगों को जो एक चीज़ दिखा दूँ, इसके पाइप का ये वाला पोर्शन जो है मोटा है, मैंने पहले ही बताया था। ये वाला पोर्शन मैंने कट क्यों नहीं किया उसका रीज़न भी आप लोगों को जो है अभी दिखा दे रहा हूँ। ये जो एक गोली मैं ले रहा हूँ कुछ इस तरीके से, ये जो है नॉर्मल पाइप, इस पोर्शन मैंने जो है ये वाला पोर्शन जो है कट किया था,
कट करके ये जो है काफी अच्छा आसानी से स्लाइड होकर इसके अंदर चला जा रहा है। आप लोग जो है देख पा रहे होंगे ये जो है काफी अच्छी तरीके से जा रहा है अंदर, ये जो है अंदर चला गया कुछ इस तरीके से। इस साइड पे ये हमारा गोली है अभी, और अब हम लोग जब फायर करेंगे तो ये जो है बाहर निकलेगा बहुत तेजी से। और इसको फिल कैसे करना है वो भी जो है आप लोगों को एक बार बता दे रहा हूँ मैं। तो बेसिकली इसको फिल करने के लिए सबसे पहले तो इधर जो हम लोगों ने हमारा लाइटर फंसाया था इसको जो है थोड़ा सा बाहर निकल लेंगे खींच के कुछ इस तरीके से। और इसके बाद जो है हम लोगों को अल्कोहल चाहिए होगा, ये रहा रबिंग अल्कोहल, मैं जो है थोड़ा सा रबिंग अल्कोहल ले रहा हूँ कुछ इस तरीके से, बस इतना सा काफ़ी है। और इसको जो है इसके अंदर कुछ इस तरीके से मैं डाल रहा हूँ। और अब जो है इसके अंदर थोड़ा सा मैं फूंक मारूंगा कुछ इस तरीके से, और हमारा लाइटर को इसके अंदर डाल दिया। और अब हम लोग जब फायर करेंगे तो ये जो है काफी तेजी से इसका ये जो बुलेट है ये जो है बहुत तेजी से सामने की तरफ जाएगा। आप लोगों को मैं जो एक बार फायर करके भी दिखा दे रहा हूँ। यार आप लोगों ने जो है इसका साउंड सुना, ये जो है बहुत ज्यादा लाउड है। और अब जो इसके साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा टेस्ट भी कर लेते हैं। तो यार मैं इस वीडियो को एडिट कर ही रहा था कि मुझे दिखाई दिया ये वीडियो जो है 6 मिनट के ऊपर का हो गया। तो यार मैंने सोचा इस वीडियो को जो है दो पार्ट में डिवाइड करके अपलोड करते, तो इस कैनन के साथ एक्सपेरिमेंट और इसके टेस्ट का वीडियो हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करेंगे इस वीडियो को अपलोड होने के बाद। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इस कैनन के साथ धमाका करते हुए।